अच्छा, उपचुनाव को लेकर योगी सरकार तैयार है। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, प्रभारी मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। उपचुनाव में जीत के लिए योगी ने एक प्लान तैयार किया है और हर सीट के लिए तीन तीन प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है जिताने की। और साथ ही सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सिफारिशी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी और किसी की सिफारिश के आधार पर टिकट का बंटवारा नहीं होगा। मंत्रियों की अपनी बैठक होती, विकास की योजनाएं हैं, विभाग की योजनाएं हैं, बाढ़ है, और ये सभी की चर्चा होती है। उसमें चुनाव की भी चर्चा, जो विधानसभा है उसकी भी चर्चा हुई है। तो स्वतंत्र देव सिंह को आपने सुना और अब ये उपचुनाव की तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि किन किन को कहां की जिम्मेदारी दी गई है। ये देखिए, मीरापुर अनिल कुमार, सुमेंद्र तोमर, केपी मलिक, और इसी के साथ यहां पर कुंदरकी में धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सेनी और गुलाब देवी, इन तीनों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद की बात करें तो यहां से सुनील शर्मा, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह, कपिल देव, अग्रवाल, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ खैर है, एससी सीट है, लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह, इनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। फिर करहल सीट है, जयवीर सिंह, योगेंद्र यादव, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह को जिम्मेदारी मिली है। सीसामऊ की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को सौंपी गई है। अब इधर फूलपुर की सीट है, राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को इसकी जिम्मेदारी। अब नीचे देखते हैं मिल्कीपुर, ये भी एससी सीट है, सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश, और ऐसी लिस्ट है पूरी जो जिम्मेदारी तय कर दी गई है। संजय, अब चूंकि अब ये उपचुनाव साख का सवाल हो गया है लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद, लेकिन क्या ये जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं इससे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, योगी आदित्यनाथ की अपनी स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ने की। उन्होंने सारी 10 की 10 सीटों पर जो प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की है उसके पहले पूरा होमवर्क किया गया है। ये देखा गया है कि वहाँ के स्थानीय समीकरण क्या है, वहाँ के जाति समीकरण क्या है, सारी चीज़ों को देख परख के ही ये मंत्रियों की ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है। और आज ये तय कर दिया गया है कि ये सारे के सारे मंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं वहाँ सप्ताह में 2 रातें रुकेंगे और उन 2 दिनों के भीतर वो जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनता हैं, उनसे मिलेंगे, संवाद करेंगे और ये भी देखेंगे क्या इन विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कोई काम सरकार के स्तर पर पेंडिंग है जिनको किया जा सके। और साफ सी बात है, जिनका काम चुनाव में, जिस काम का लाभ चुनाव में मिल सके भारतीय जनता पार्टी को। तो अब तैयारी और स्ट्रेटजी पूरी की पूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली है। दिखाई दे रहे हैं और सारे फैसले खुद ही ले रहे हैं। देखना होगा कि इसका असर ग्राउंड पर किस तरीके से होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।